हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत राय स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, और आ गया हूँ वापस एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी की नई रेल लाइन यानी कि बड़ी लाइन के बारे में, जो कि 1 से 12 गाँव को चीरते हुए यानी कि गाँव के बीच से निकलने वाली है दोस्तों, जो कि 1 से 12 गाँव के बीच से निकलेगी और यहाँ पर करीब नए 12 स्टेशन और एक स्टेशन जो कि जंक्शन बनाया जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे से सहजनवा दोहरीघाट रेल लाइन का निर्माण शुरू करने का टेंडर जारी किया गया। इस लाइन पर सबसे बड़ा अत्याधुनिक स्टेशन बनाया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने इसके लिए निर्माण के लिए लगभग 6,87,00,000 रुपए मंजूर दिए हैं। निर्माण कार्य के 2 वर्ष पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई ट्रेनें जो 112 गांव से होकर गुजरने वाली, दोस्तों सहजनवा दोहरीघाट नई रेल लाइन पर 62 गांव का नवीनतम स्टेशन बनेगा। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन भवन परिसर और अप्रोच मार्ग के निर्माण के लिए लगभग 6,87,00,000 रुपये भी मंजूर कर दिए हैं। निर्माण शुरू करने के लिए भी बोली लगाई गई है। निर्माण कार्य के 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 81 किलोमीटर की नई रेल लाइन पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। बांसगांव के अलावा सहजनवा, पिपरौली, खजनी, उनवल, बदौली, बाबू, उरवा बाजार, बनवारपुर, गोला बाजार, भरौली, बढ़लगंज और दोहरीघाट भी हैं। इन स्टेशनों का निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही निविदा आहूत की जाएगी। यद्यपि सहजनवा और दोहरीघाट से पहले से ही स्टेशन है, इनका भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। और नई ट्रेनें जो कि 112 गांव से होकर गुजरने वाली है, इसमें गोरखपुर के 109 गांव और मऊ के 3 गाँव शामिल है। इस रेल लाइन के लिए 359 एकड़ ज़मीन की आवंटित की जानी है। भूमि अधिग्रहण सहजनवा, खजनी और बांसगांव तहसील क्षेत्र में शुरू हो गया है। सहजनवा तहसील के 13 गांव में से 11 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए 43,089 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पूरी होने वाली है। शुरू में सहजनवा से पिपरौली तक 9 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी और मिट्टी भराई जैसे कार्यों के लिए एक संस्था नामित की गई है। और इस यहाँ पर सरवी रिवर पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा। पुल की लंबाई लगभग 1200 मीटर है, जिसके निर्माण के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है। इस रेल लाइन पर 47 छोटे पुल, 15 अंडरपास और 2 ऊपरगामी पुल और 11 महत्वपूर्ण बड़े पुल बनाए जाने हैं। रेलवे ने 2026 तक निर्माण पूरा करने का इसका भी लक्ष्य रखा है और भूमि अधिग्रहण के लिए रेलवे ने 295 करोड़ रुपये भी दे दिए हैं। रेलवे के विशिष्ट परियोजना में शामिल होने के बाद सहजनवा दोहरीघाट नई रेल लाइन का निर्माण तेजी से चल रहा है। रेलवे प्रशासन ने 295 करोड़ रुपए जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण के लिए दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2019 को बैठक में सहजनवा दोहरीघाट ने रेल लाइन को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लगभग 1320 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस लाइन की स्थापना से गोरखपुर से वाराणसी, छपरा और प्रयागराज तक के एक नया रेलवे मार्ग बनाया जाएगा, जो कि दोहरीघाट से इंदौरा तक की एक बड़ी लाइन ने बिछा दी, जिसमें आमान परिवर्तन कहा जाता है। ट्रेनों का संचालन भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। I think God.
Oh my.